टॉपिक है बेटे, उसका नाम है ओम्स लॉ। तो देखिए ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का ये कहना था कि अगर हम किसी एक कंडक्टर की, किसी एक सैंपल की अगर हम कोई फिजिकल कंडीशन ना बदलें, फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, लेंथ, एरिया, अगर हम उसका ना चेंज करें, देन ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, ये लो तभी एप्लीकेबल है। ये सपोज टू बी एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, इसकी अपनी एक लेंथ है, इस कंडक्टर को हमने एक यहाँ पर सोर्स के साथ, सेल के साथ कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर एक एमिटर लगा दिया, दिस इज ए, और ये सोर्स है, पोटेंशियल कितना है वी, और यहाँ पर हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया जो किसकी कैलकुलेशन करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो ओम्स लॉ का क्या कहना था, ओम्स लॉ का ये कहना था कि जब हम किसी एक कंडक्टर को, किसी एक सैंपल को जब हम बैटरी के साथ अप्लाई करते हैं तो बैटरी उस कंडक्टर को क्या देती है, पोटेंशियल सप्लाई करती है। पोटेंशियल के नाम पर बेसिकली क्या सप्लाई करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज सपोज टू बी द पॉजिटिव टर्मिनल और ये कितना है नेगेटिव, तो यहाँ पर ये कौन सा पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है, दिस इज सपोज टू बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रही है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे उन्हें क्या करेगी, ड्रिफ्ट करेगी। अगर इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होंगे। और इलेक्ट्रॉन अगर ड्रिफ्ट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में, इसका मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एक वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इज नोन एज क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इट विल कोज टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट। और हमारे पास एक रिलेशन है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि E इज इक्वल टू कितना होता है, V ओवर L होता है, E इज इक्वल टू V ओवर L। और अगर मैं वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ तो वोल्टेज के नाम पे मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितनी होती है, या VD इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है, E टाउ अपॉन में M। और एक रिलेशन हमने पढ़ा है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो इट मीन्स ये हुआ कि जब हम यहाँ पर बैटरी अप्लाई करते हैं, बैटरी मतलब इस कंडक्टर को जब हम किसी एक सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो सोर्स क्या अप्लाई करता है, तो आंसर है सोर्स वोल्टेज अप्लाई करता है। तो वोल्टेज के नाम पर हम क्या अप्लाई करते हैं, आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। अब ओम्स लॉ ने क्या कहा था, ओम्स लॉ ने ये बोला कि अगर हम किसी भी एक कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन को ना चेंज करें, फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, उसका वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ, वो ना चेंज करें, देन दिस ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल। ये दिस इज द कंडीशन, इफ ये मस्ट टू बी रिमेंबर, फिजिकल कंडीशन फिजिकल कंडीशन डोंट चेंज। तो अगर हम इस कंडक्टर की कोई फिजिकल कंडीशन चेंज ना करें और इस कंडक्टर पे जो हमने वोल्टेज अप्लाई करी, अगर मैं इसकी वोल्टेज इंक्रीज कर दूं तो वोल्टेज इंक्रीज करने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी। जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करूंगा तो क्या इंक्रीज होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा। तो हमने इंक्रीज क्या करा था, वोल्टेज, और इंक्रीज क्या हुआ, करंट। दिस इज द ओम्स लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडक्टर के अक्रॉस हम जितनी वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना क्या होगा, इस कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो जाएगा, उतना करंट इसमें ज्यादा फ्लो होगा। दिस इज ओम्स लॉ। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर व्हेन देयर इज नो फिजिकल कंडीशन टू बी चेंज, दिस इज द ओम्स लॉ। तो ये ओम्स लॉ है। तो हम बोलते हैं वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ रहा है, तो क्या मैं इसे ये भी ले सकता हूँ, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V? आंसर है नो, क्योंकि इसमें एक डोमिनेट कर रहा है, एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट। इसमें करंट कैसा है, आंसर है डिपेंडेंट है, किस पे, वोल्टेज पे। जब मैं वोल्टेज दूंगा तो ही तो करंट बढ़ेगा, तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ेगा, इसका मतलब वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और ऐसा नहीं है कि करंट अगर बढ़ रहा है तो मेरी वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सोर्स की एनर्जी तो पहले भी उतनी थी, अभी भी उतनी है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट भी क्या होगा, इनिशियली इंक्रीज होता चला जाएगा। इस प्रोपोर्शन को हटा के हम अपनी तरफ से कांस्टेंट लगाते हैं, दिस इज आर, आर इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट नोन एज
रेजिस्टेंस, क्या कहते हैं इसे, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस होता क्या है वो समझिए, R इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, V ओवर I। तो रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है, तो आंसर है रेजिस्टेंस एक अपोजिशन होता है। क्या होता है अपोजिशन, जो कोई भी एक कंडक्टर करंट के फ्लो को रोकने के लिए डेवलप करती है। तो रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन क्रिएट बाय द कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो करंट के फ्लो को रोकने के लिए एक कंडक्टर जितना रेजिस्टेंस ऑफर करती है, जितना अपोजिशन ऑफर करती है, दिस अपोजिशन इज नोन एज क्या, रेजिस्टेंस। ये एक बात होती है, लेकिन फिजिक्स में वास्तव में रेजिस्टेंस शब्द का मतलब क्या होता है तो उसे समझिए। तो आंसर है रेजिस्टेंस कौन डेवलप करता है, एक कंडक्टर। तो हमें पता है कि जब भी हम किसी एक कंडक्टर में वोल्टेज अप्लाई करेंगे, उसको पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, तो चार्ज क्या करेंगे उस कंडक्टर में मूव करेंगे। जब चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं किसी भी एक कंडक्टर के अंदर, और हमने बैटरी के नाम पर क्या अप्लाई किया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होते हैं। तो जब ये सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होते हैं तो ये हर एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। जब इस कंडक्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी तो इन इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी थी, जो स्पीड थी, उसे हम थर्मल स्पीड या थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। और उन सब का एवरेज कितना होता है, जीरो। इट मींस वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करते, लेकिन हमेशा उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, रैंडमली डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब हम इस कंडक्टर में को बैटरी के साथ अप्लाई कर, बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी के नाम पर हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन चल तो रहे हैं, और जैसे इलेक्ट्रॉन चल भी रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी है, लेकिन ये अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअसली कोलाइड करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने से इनकी डायरेक्शन नहीं बदलेगी, ये रैंडम नहीं होंगे। जैसे कि एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले जब भी दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं तो वो रैंडम डायरेक्शन मूव करते हैं, यहां पर जब हम इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो ये रैंडम डायरेक्शन में मूव नहीं करते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या करती है, इनके ऊपर एक फोर्स लगाती है अपने अपोजिट डायरेक्शन में। दैट इज वाई दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव इन अ सेम डायरेक्शन विच कॉज टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट। ये आपको बहुत समझना जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हम किसी एक कंडक्टर के अंदर कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन के अंदर जो उस कंडक्टर के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअसली कोलाइड करते हैं, जिसके कोलिजन की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट स्पीड क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाती है। जैसे कि अगर हमें ट्रैफिक में चलना हो और हम पहले एक खाली रोड से आ रहे थे, जब किसी एक खाली रोड पर आते हैं तो हमारी चलने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ट्रैफिक मिलता है तो हमारी स्पीड क्या होती है, कम होती है, क्योंकि हमारा कोलिजन बढ़ता चला जाता है। एग्जैक्टली यही होता है, जब एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड करते हुए चले जाते हैं। जब उनके बीच में कोलिजन होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज, अगर यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो गई तो मेरा करंट डिक्रीज हो गया, और करंट डिक्रीज हो गया इसका मतलब अपोजिशन बढ़ गया, और अपोजिशन किसी भी एक कंडक्टर क्या है, कोलिजन। तो किसी भी एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बेसिकली क्या होता है, कोलिजन होता है। क्या है, कोलिजन। अब इसके अंदर कंडक्टर के अंदर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो उनके कोलिजन से वेलोसिटी तो कम होगी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेके चल रहे थे वो एनर्जी क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। क्योंकि हमारा एक बेसिक सा नियम है, हम लोगों ने 11th क्लास से पढ़ा है कि जब भी दो पार्टिकल एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो उनका नेचुरल आउटकम क्या होता है, आंसर है एनर्जी। तो जब भी दो पार्टिकल एक दूसरे से टकराएंगे तो इसकी ये चलने वाली काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में रिजॉल्व हो जाती है, रिलीज होना शुरू होती है। तो इसका मतलब जितने ज्यादा पार्टिकल एक दूसरे के साथ टकराना शुरू करते हैं तो उनके टकराने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती है और उतनी ज्यादा एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो द नेचुरल आउटकम ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द करंट इज हीटिंग, और ये हीटिंग ही क्या है, अगर किसी एक कंडक्टर के अंदर हीटिंग इफेक्ट ज्यादा है, हम देखते हैं कि कंडक्टर को हम छू के देखते हैं कि इसमें हीटिंग ज्यादा है, व्हाट डज इट मीन बाय, इसका मतलब यह है कि इस कंडक्टर के अंदर कोलिजन ज्यादा है, कोलिजन ज्यादा है तो हीट एनर्जी का लॉस ज्यादा है, इट मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो गई, इट मींस करंट कम हो गया, करंट कम हो गया मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो किसी भी एक कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो बेसिकली क्या है, तो आंसर है रेजिस्टेंस इज बेसिकली कोलिजन, और कोलिजन का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, आंसर है हीट एनर्जी। तो हीट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कोलिजन, रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस। तो इस बात को आप हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे, किसी भी एक कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो बेसिकली उसका कोलिजन होता है, और वो कोलिजन क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो कंटिन्यू कोलाइड करते हुए चले जाते हैं, उनकी एनर्जी में लॉस होता चला जाता है,
ड्रिफ्ट स्पीड कम हो जाती है, जब ड्रिफ्ट स्पीड कम होगी तो करंट कम हो जाता है। दिस इज मीन बाय दिस। और एक बात ध्यान रखना, ये आर इज इक्वल टू वी अपॉन में आई, आर इज इक्वल टू वी अपॉन में आई, ये क्या है, दिस इज ओम्स लॉ। और ये जो ओम्स लॉ है ये किसके लिए आंसर है, गिवन सैंपल के लिए। अगर इस सैंपल का, ये सैंपल का मतलब है कि अगर मैं इसका एरिया और लेंथ जैसा है ऐसा कैसे रखूं, टेम्परेचर प्रेशर चेंज ना करूं, देन आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। अब मेरा एक क्वेश्चन है, और ये आर इज इक्वल टू वी ओवर आई इस गिवन सैंपल के लिए क्या है, कॉन्स्टेंट है, गिवन सैंपल के लिए कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर मैंने 10 वोल्ट अप्लाई करा, 10 वोल्ट, और मुझे जो करंट मिलता है इस कंडक्टर के अंदर 5 एम्पियर मिलता है सपोज टू बी, तो अगर मैं यहाँ पर R की वैल्यू निकालूँ तो R इज इक्वल टू 10 ओवर 5 कितना मिलता है, 2 ओम का रेजिस्टेंस मिलता है। लेकिन अगर मैं अपनी वोल्टेज यहाँ से बढ़ा दूँ, कितनी कर दूँ, 20 वोल्टेज, तो अगर मैं वोल्टेज बढ़ा दूँ तो मेरा रेजिस्टेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, आंसर है नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ, इस कंडक्टर का वोल्टेज बढ़ाता हूँ, तो वोल्टेज बढ़ने से क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, ये तो ओम्स लॉ है। तो करंट पहले 10, वोल्टेज मेरा पहले 10 था, करंट 5 था, अगर मैं वोल्टेज को 20 कर दूंगा तो करंट कितना होगा, 10। इसी तरह से अगर मैं वोल्टेज को 30 कर दूंगा तो करंट कितना होगा, 15। लेकिन हर बार मेरा रेजिस्टेंस कितना होगा, 2। इसका मतलब इस गिवन सैंपल के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी है, कॉन्स्टेंट है। क्यों? क्योंकि वी अपॉन में आई का रेशियो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, किसके लिए, एक गिवन सैंपल के लिए। तो आर विल बी सेम, विल बी कॉन्स्टेंट फॉर गिवन सैंपल। गिवन सैंपल का मतलब लेंथ एरिया अगर हम उसका चेंज ना करें, तो R इज इक्वल टू वी ओवर आई, ये क्या है, दिस इज इक्वल टू ओम्स लॉ। अब अगली एक बात और समझो कि जब हम ये बात करते हैं R इज इक्वल टू वी ओवर आई, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि गिवन सैंपल के लिए, अगर मैं सैंपल का साइज बढ़ा दूं, लंबाई इसकी बढ़ा दूं, या इसको पतला कर दूं, इसको मैं मोटा कर दूं, तो मेरा सैंपल बदल गया, मेरा सैंपल बदल गया। जब मेरा सैंपल बदलेगा तो वी विल ऑब्जर्व R इज इक्वल टू वी अपॉन में, R इज इक्वल टू वी अपॉन में आई इज नॉट कॉन्स्टेंट। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारा, हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं अलग अलग सैंपल के लिए, तो हमारा करंट भी कैसा आएगा, अलग अलग आएगा। जब करंट अलग अलग आएगा तो R की वैल्यू वैरी करेगी। तो फॉर द गिवन सैंपल R इज इक्वल टू वी अपॉन में आई रिमेन कॉन्स्टेंट, इसे आपको हमेशा के लिए याद रखना है।